बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अब हम जा रहे हैं 104 चक, जहाँ पर अब्दुल खालिक है वहाँ पर जाना, तो अभी हम निकलने लगे हैं। आज का सफ़र करते हैं शुरू। अभी तक तो खाने वाल के अंदर ही है। अगर हम होते ना आज अपने काम तो होना था, हमने इस्लामाबाद की तरफ के अंदर ही है भाई। तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है जिधर से हमने जाना है, तो अब्दुल खालिक भाई से रास्ता नहीं हो रहा। तकरीबन 7-8 साल पुराना सपना है जो आज पूरा हो रहा है कि हम 104 चक जा रहे हैं। जनाब हम पहुंच चुके हैं अब्दुल खालिक के पास। तो ये भाई साहब हमें बुला कर, आप सो रहे थे आराम से, वो तो लोकेशन ले जाइए जहाँ पर आना था, तो लेकिन लोकेशन ना होती तो फिर तो अंदर ढूंढते रह जाना था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है। तो जनाब नमाज पढ़ने लगे हैं, उसके बाद बाहर की वीडियो बनाएंगे। अब हमने पढ़ लिया नमाज, तो मामू जान पढ़ने आहद भाई ने पढ़ लिया, तो माशाल्लाह मस्जिद माशाल्लाह काफ़ी प्यारी बनी हुई है। छोटे से गांव में मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लो जनाब 104 चक अब्दुल खालिक के पास। अब यहाँ का माहौल काफ़ी पुरसकून और आलूदगी से महफूज है। गले इतने इतने बड़े हैं, इतने इतने बड़े गले हैं, उतना रश ही नहीं है। तो गांव भी काफ़ी बड़ा है लेकिन ठीक है। तो जनाब कार भाई जा रहे हैं ना हमारे साथ। तो जनाब चाय पी रही है, वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सलाह बना लेना कि एक जगह पर एक डेरे पर कुआ है, वो कुआ देखना क्योंकि कुएं इस गाँव में है। आप 17-18 को 2000 भी लगते हैं। पहुंच गया जिधर है कुआं, कुआं देखना काफी ज्यादा गहरा। हाँ जी इससे भी नीचा बोर हुआ, इसके फिर जाकर कहीं पानी आओ। पखा लग गया तो खेच रहा है इतनी नीचे, इतनी नीचे तो पानी वाला कुआं नहीं है। ये कुआं मोटर का बोर नीचे किया है क्योंकि इसके इस इलाके में पानी ऊपर नहीं है, इसलिए पंखा है ना जो पानी निकालता है वो नीचे है। इतने नीचे है जनाब, देखें इतनी दूर है। छोरे थे देने ये जैकेट, की नाम जात का तेरा? मेरा फरीदुल्ला साकिब अहमद। ते बिलाल साकिब 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 ये है। अगर कोई नीचे जाना हो या कोई चीज फेंकनी हो ना इस पर, इस पर एक खतरा है कि इसके ऊपर ना थोड़ी सी दीवार और ऊपर होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा ज्यादा जमीन के लेवल पर कोई जानवर
या कोई बच्चा गिर सकता है तो एक वहाँ पर है वो ज्यादा गहरा है। उसके अलावा भी एक है तो वो देखते हैं वो कितना गहरा है, क्योंकि इतना गहरा है ऊपर में बैल करने का दिल नहीं करता। ये तो नजर भी नहीं आ रहा भाई कहाँ तक। तो कुएं तो काफी ज्यादा गहरे हैं भाई, अब सोचा है कहीं और जाने का। ये है जनाब पास। हमारे गांव में जैसे लड़के गन्ने उठा कर लाते हैं ना, ऐसे यहाँ पर कपास है तो ये बिकती है यहाँ पर। जो यहाँ पर लड़के हैं जो भी कोई बेचता है 80 रुपए किलो पी रहे हैं ये भाई साहब, तो हमारे पास कितने कह रही है सोचो। तो ये माशाल्लाह बकरियाँ सब भाई इंसार की हैं, उधर भी हैं जो दिख नहीं रही। तो ये पास ख़त्म हो चुकी है ना, तो उसमें चल रही हैं। अब्दुल खालिक ने भी साथ लेकर जाना है मेरे साथ से, अभी नहीं लेकिन लेकर जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह नस्लें बहुत अच्छी हैं ये देसी है। तो आगे आ गया भाई जान दो तो ये मुर्गी फार्म है, उसके अंदर बकरी है। यहाँ पर जनाब तो लगता है किन्नों का बाग है, लेकिन हम आई उस वक्त हैं जब ना के माल का वहाँ पर आम है, वो एक लगा है एक लगा लगे हैं कहीं किन्नू तैयार हो रहा है, इंशाल्लाह सर्दियों मेरे ख्याल से हो जाएगा तैयार, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से खट्टे होंगे माशाल्लाह तैयार है, लेकिन फल तो एक तोड़ा देखते हैं खट्टा तो नहीं है, लेकिन 100% उम्मीद है खट्टा होगा। ज़्यादा जो है ना कपास का, हर खेत में कपास लगी है, मुंजी की फसल भी है लेकिन कपास से है ना जो वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा इधर लगती है गंदम नहीं मच्छी किधर है यहाँ पर। आगे जा रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि रेत रेत के टोए हैं भाई, जहाँ से रेत निकालते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ कौन सा नज़दीक कोई दरिया या कोई समंदर है। आ चुके हैं भाई जहाँ नीचे, तो आज की वीडियो में आपको भाई जान बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि पूरा इलाका फिर रहे हैं। ये हैं वो टोए जहाँ से रेत निकालते हैं यहाँ, तो बहुत गहरे हैं यार यहाँ का।
जहाँ से रेत निकाली है वहाँ पर लोगों ने अपनी फसल लगा ली है भाई। हौली बोलता रे, इन्नी इन्नी तेज नहीं। रेत के अंदर बाइक फंस गया, माशाल्लाह अपना वजन किसी से कम है, ज्यादा ही है 96। तो ये काफी ऊंचे पहाड़ है भाई, मिट्टी के पहाड़, मिट्टी और रेत के दोनों के। तो ये जगह भी देख ली है, अब जाना हमने वापस। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बहुत अच्छी जगह मिली है। वहाँ पर गांव में भी सारा घूम कर आए हैं। तो ये जगह, यहाँ से रेत निकालते हैं और जिनकी ये ज़मीन है वो बेचते हैं। तो काफ़ी गहराई तक आगे और गहराई है, लेकिन आगे नहीं गया, हम नीचे ही रहे हैं और नीचे ही रहेंगे। तो अब सोचा है वापस जाने का। तो मैंने तो सुबह को चले जाना, अब्दुल हरक भाई का पता नहीं उसने कब आना। हाँ भाई, कब आना? दो दिन ठहर के आएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने भी जल्दी जाना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा दिल नहीं लग रहा यार। भाई अब्दुल हरक और साहब जा रहे हैं, तो हम इधर जा रहे हैं। सुबह इंशाल्लाह मिलेंगे, और प्रोग्राम बन रहा है मुल्तान जाने का सब। तो इंशाल्लाह को मना लूंगा, सुबह जाएंगे हम मुल्तान। अमीर शाह हम क्रॉस करके आगे आ गए सामने एक दुकान भी है। तो इंशाअल्लाह ये रोक लेंगे और मजा आएगा। बोर्ड लगाया खानेवाल, कबीरवाला, मुल्तान, कच्चा कू, पंजाब फ्रूट फूड थाली। एक कप चाय होती तो फिर आए हाय, लेकिन ये रोड है। तो अब मैं कौन सा रोड है यार, पता नहीं, जानिया रोड, जानिया मंडी। तो जवानों ने पी भी लिया, तो अभी ना दे भलवाना फिर भाई। मजा आ गया जनाब, दिमाग ठंडा हो गया। अब जाएंगे स्टेशन पर। तो जनाब सफ़र माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हुआ है। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अफजाल भाई के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखना और तेज सारा प्यार। हम जा रहे थे वापस खाने वाले की तरफ, तो रास्ते में आया ये एक पार्क, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसलिए सोचा कि रास्ते में खड़ा करके बाइक इनकी तस्वीरें बनाते हैं।